नमस्कार, मैं कशिश, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। भाद्रपद पूर्णिमा को पूर्णिमा श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से ही पितृपक्ष का आरंभ हो जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा श्राद्ध का बड़ा विशेष महत्व है। इस साल पूर्णिमा श्राद्ध 20 सितंबर को है। पूर्णिमा के बाद एकादशी, द्वितीय, तृतीय, अमावस्या श्राद्ध आता है। इसमें हम तिथि के अनुसार अपने पितरों का पिंडदान कर्म, तर्पण और श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। पितृपक्ष के अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इस दिन उस सभी पितरों का पिंडदान और तर्पण किया जाता है जिनकी तिथि ज्ञात नहीं होती या भूल चुके होते हैं। आइए जानते हैं कि पूर्णिमा श्राद्ध का महत्व और पूजा विधि क्या होती है। तो पूर्णिमा श्राद्ध का महत्व कहते हैं कि इस दिन सत्यनारायण की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में धन आदि की कभी कमी नहीं होती। जो लोग घर में व्रत रखते हैं उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन मान्यता है कि उमा महेश्वर का व्रत किया जाता है। कहते हैं कि भगवान सत्यनारायण ने भी इस व्रत को किया था। इस दिन स्नान और दान आदि का भी विशेष महत्व है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन से पितृपक्ष का आरंभ होता है, इस कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पूर्णिमा श्राद्ध विधि की बात की जाए तो शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा श्राद्ध के दिन गए पितरों का श्राद्ध ऋषियों को समर्पित होता है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण आदि किया जाता है और पूर्णिमा श्राद्ध के दिन किए गए पितरों को उसी दिन तर्पण दिया जाता है। उस दिन तस्वीरें सामने रखे उन्हें चंदन की माला पहनाकर सफेद चंदन का तिलक लगाए। पूर्णिमा श्राद्ध के दिन पितरों को खीर अर्पित करे। खीर बनाते समय ध्यान रखें कि उसमें इलायची, केसर, शक्कर, शहद मिलाकर बनाएं। इसके बाद गाय के गोबर के उपले में अग्नि जलाकर पितरों के नियमित तीन नाम पिंड करें और आहुति भी दें। इसके साथ पंचबेली भोग लगाया जाता है। गाय, कौवा और कुत्ता, चींटी और देवों के लिए प्रसाद निकाले और फिर ब्राह्मण को भोज कराए। इसके बाद स्वयं भोजन करें। ध्यान रखें कि श्राद्ध वाले दिन भोजन में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल ना करें। भाद्रपद पूर्णिमा की तिथि और समय की बात की जाए तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ सितंबर 20, 2021 को प्रातः 5:30 से शुरू होगी और इसके समापन 21 सितंबर 5:26 पे। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।